हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी देख रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर 4 कृषि कर रहे थे। हम लोग जानते हैं कि कृषि में हम लोग काफ़ी सारे चैप्टर्स को देख चुके थे। एक लास्ट चैप्टर हमारा बचा था यूएसए वाला, जो देखना था कि यूएसए में कौन कौन से फार्म वगैरह, ठीक है। आइए देखते हैं कृषि क्या, ये सारे चीज़ों को देख चुके थे, मैप वगैरह भी कुछ समझ चुके थे हम लोग, कृषि के प्रकार भी देख लिए हैं, नेक्स्ट फसलों के टाइप्स भी देख चुके थे, कौन कौन से फसल है जैसे चावल, कपास वगैरह, जूता, मक्का वगैरह, ठीक है। कृषि का विकास भी देख लिए, भारत का एक फार्म देख चुके थे। इसी तरह हमारा जो अगला फार्म है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का एक फार्म देखेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बोल रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जो अमेरिका में जो एक फार्म होता है वो भारत के फार्म से अगर कंपेरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। बोल रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। अगर हम बात करें अमेरिका में तो लगभग कितना हेक्टेयर का एक फार्म होता है, 250 हेक्टेयर का। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है, ठीक है। किसान जो है सो ज़्यादातर फार्म में ही रहते हैं। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। अगर बात करते हैं अमेरिका में तो सोयाबीन, मक्का, गेहूं, चुकंदर, ये सारे फसल उगाए जाते हैं। बोल रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, ठीक है। मतलब एक किसान का बात कर रहा है, एक जगह है आयोवा अमेरिका में, वहीं पर एक जगह है होरन, उसके पास एक किसान का ज़मीन कितना, लगभग 300 हेक्टेयर है, ठीक है। वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे, ठीक है। मतलब जब मक्का वगैरह में जैसे पानी वगैरह की उतनी भी आवश्यकता नहीं रहती है, ठीक है, तो जब ऐसा मौसम आता है उस समय ये क्या करता है, वहाँ मक्का लगाता है। बोल रहा है फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं, ठीक है। अब जो फसलों पर जो भी प्रकार के दिक्कतें आती हैं उसका नियंत्रण के लिए कुछ कुछ चीज़ों का उपयोग किया जाता है, मतलब ये सारे कुछ कारण या फिर बोल सकते हैं कि ये सारे कुछ उपाय का उपयोग किया जाता है। जैसे समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जाँच के लिए भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक तत्व है या नहीं। वह क्या करता है, समय समय पर जो भी वहाँ की मृदाएँ होती है, मिट्टियाँ होती है, उसे क्या करता है, वहाँ का परीक्षण संस्थान में भेजता है, परीक्षण प्रयोगशाला में भेजता है, ताकि वह चेक कर सके कि मतलब उसका मृदा अभी भी उपजाऊ है या नहीं, उसमें अभी भी पोषक तत्व है या नहीं। ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, योजनाएं बनाने में मदद करते हैं। बोल हाँ अभी हम फसल उगा सकते हैं, ये नहीं उगा सकते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए उनका डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है उससे। बोल रहा है उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की अर्थात तस्वीर देता है, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि उसका कंप्यूटर में कुछ ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जो उसका खेत से कनेक्टिविटी करके रखा हुआ है, मतलब खेत में जो भी चीज़ें हो रही है वो चीज़ वो क्या कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। बोल रहा है यह रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है, ठीक है। या क्या करता है, जो भी पीड़कनाशक होते हैं, मतलब जो भी दवाइयाँ वगैरह छिड़काव वगैरह की जाती है, ठीक है, इन सारी चीज़ों में क्या होता है, उसे मदद मिलता है। बोल रहा है वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। क्या बोल रहा है कि वह ट्रैक्टर वगैरह का या फिर बीज बोने वाला मशीन का, थ्रेशर का, थ्रेशर मीन्स जब कटाई की जाती है फसलों की, ठीक है, इन सारी चीज़ों का उपयोग वो अपना कृषि में करता है। बोल रहा है अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं, ठीक है। अनाज क्या किया जाता है, अनाज भंडार में स्टेबल किया जाता है, रखा जाता है, ठीक है, अथवा बाजार अभिकरणों मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं, ठीक है, और उसे क्या किया जाता है, बाजार वगैरह तक भेजा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है, ना कि एक खेतीहर किसान की तरह। वो एक मतलब खेती को एक व्यवसाय अपना उसी को कार्य की तरह कार्य करते हैं, ठीक है, मतलब अपना व्यवसाय समझ के, यही मेरा रोजी रोटी है इस तरह से समझ के कार्य करते हैं, ना कि एक किसान के जैसा कि छोटा मोटा किए जितना मेरा घर चलने भर है, इस तरह से वो लोग खेती नहीं करते हैं। ये देखिए हमें दिखाया जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म में मशीनीकृत खेत, देखिए ये सारे मशीन वगैरह का उपयोग किया जा रहा है, ये खेत वगैरह दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमारा चैप्टर कम्प्लीट होता है, उसके बाद ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग कर लेना है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से हो जाएगा, सारे आसान आसान टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब
आज का क्लास यहीं रखते हैं, इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।